हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बनाना बताऊंगी। ये स्वेटर मैंने 1 साल से 2 साल तक के बच्चों के लिए बनाया है। इसे मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और ये जो बैक वाला है ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट का पहला साइड मैं आपको बनाना दिखाऊंगी, और उसे बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 32 फंदे लिए हैं। अगर आपको और बड़े बच्चों के लिए बनाना है तो आप 32 में फंदे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसे हमें सीधा सीधा बुनना है। तो ये पहली सिलाई है और इसे देखिए हम पूरा सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये सिलाई हम पूरा सीधा बुन लें, और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो वो सिलाई भी हमें पूरा सीधा बुनना है। तो मैं आपको 2 सिलाई बुनकर तब दिखाती हूँ। ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ बुन ली हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरे कलर से देखिए हमें इसे सीधा सीधा बुनना है। तो इस कलर से भी देखिए हम 2 सिलाइयाँ पूरा सीधा सीधा बुनेंगे। इसको देखिए हमें इसी के साथ बुनते जाना है। ये इस तरह से, ये सिलाई देखिए बुनकर कंप्लीट कर ली है मैंने। अब इस तरफ से देखिए हमें फिर से ये वाला कलर लगाना है। तो इस कलर से भी देखिए हमें 2 सिलाइयाँ बुननी है, एक राइट साइड से एक रॉन्ग साइड से, और फिर वापस ये वाला कलर लगाएंगे। तो देखिए हमें 2-2 सिलाइयाँ दोनों कलर से बुननी है। यहाँ पे देखिए मैंने पर्पल कलर से 2 सिलाइयाँ बुनी, फिर क्रीम कलर से 2 सिलाइयाँ, फिर पर्पल कलर से 2 सिलाइयाँ, फिर क्रीम कलर से 2 सिलाइयाँ। इसी तरह से बुनते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। तो इसे मैं थोड़ा सा आपको और बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। अब इसकी लेंथ जो है ये देखिए मैंने यहाँ पे 8 इंच रखी है। अगर आपको बड़े बच्चों के लिए बनाना है तो आप 8 इंच से ज़्यादा इसे बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम आर्म होल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये 5 फंदे यहाँ पे सीधे बुनने हैं। तो ये वाला कलर से हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 4 फंदे बुन लिए। अब इसके बाद देखिए ये 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है। तो ये हो गए हमारे 5 फंदे। अब देखिए यहीं से हमें सिलाई पलट लेना है, और इन 5 फंदों को भी हमें सीधा सीधा बुनना है। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे 5 फंदे बुनने हैं, और साथ में हमें इन दोनों को घटाना भी है। तो पहले ये 4 फंदे बुनेंगे, उसके बाद देखिए ये 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है। फिर यहाँ से सिलाई पलट लें, और फिर इन सभी फंदों को देखिए सीधा बुनना है। देखिए हमने 2 बार फंदे घटा लिए, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसी तरह से देखिए हमें 3 बार फंदे घटाने हैं। तो इसे हम वहाँ तक बुन लें। ये देखिए यहाँ पे हमने 5 बार फंदे घटा लिए हैं।
टोटल मैंने यहाँ पे देखिए 9 सलाइयाँ बुनी हैं। अब इधर से देखिए हम सलाई नहीं पलटेंगे और यहाँ पे देखिए हम इसे सीधा सीधा बुनते जाएंगे। ये सिलाई देखिए मैंने पूरा सीधा बुन लिया है। अब इधर से देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा बुनना है, तो इसे भी सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इस तरफ से देखिए फिर से 4 फंदे सीधे बुनने हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए हम 2 का 1 करेंगे। और इसके बाद देखिए जितने भी फंदे हैं उसे सीधा सीधा बुनना है। तो ये सिलाई हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें और रॉन्ग साइड में भी जब हम आएंगे तो उसे पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस तरफ से देखिए हमें यहाँ पे गला भी बनाना है, तो ये हमारा आर्म होल इधर बन रहा है और इधर हम गला बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए पहले हम ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर देखिए ये 2 फंदों को हम एक साथ बुनकर घटाएंगे। अब देखिए ये सिलाई हम इसे पूरा सीधा सीधा बुन लें। ये सिलाई देखिए बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ देखिए ये गले के लिए फंदे क्लोज करेंगे। तो ये 2 फंदे बुने और ये 1 फंदा आगे की तरफ इस तरह से गिरा देना है। इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पे 10 फंदे क्लोज करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 फंदे क्लोज कर लिए हैं। तो टोटल 10 फंदे क्लोज करने के बाद इसे पूरा यहाँ तक सीधा सीधा बुनना है। तो ये सिलाई हम बुनकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए ये सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए हमारे यहाँ पे 15 फंदे ही बच गए हैं, 10 हमने इधर घटा लिए। अब देखिए हमें यहाँ से कोई भी फंदे घटाने नहीं हैं। तो पहला फंदा ये स्लिप करना है, उसके बाद देखिए ये देखिए यानी 4 फंदों के बाद हमें 1 फंदा यहाँ पे उल्टा बुनना है। तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे, ये 5वां फंदा जो है उसे उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन को पीछे करके सारे फंदे सीधे बुन लें। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये जो हमने इधर उल्टा बुना था उसे भी हमें यहाँ पे सीधा बुनना है। अब देखिए ये राइट साइड है और इसमें देखिए हमें यहाँ पे पहले 4 फंदे सीधे बुनने हैं। सेम वही रिपीट करना है जैसे हमने नीचे किया था। फिर 1 फंदा उल्टा, फिर बाकी सारे फंदे सीधे। तो इसे देखिए हमें इसी तरह से बुनते हुए शोल्डर बनाना है इसका। हमें राइट साइड में इधर सीधे और इधर सीधे बुनने हैं, सिर्फ 1 फंदा बीच में जो है ये उल्टा बुनना है। इस तरफ से देखिए सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं।
तो हमें इसी तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने ये इसका शोल्डर बना लिया है। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आर्म होल से शोल्डर की लेंथ यहाँ पे मैंने 4 इंच रखी है और ये टोटल मेरा 12.5 इंच तक बना है। अब इतना ही लंबा हमें सारा पार्ट बनाना है। तो अब मैं आपको ये फ्रंट साइड का दूसरा पार्ट बनाना बताती हूँ। दूसरे साइड के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 42 फंदे लिए हैं। फर्स्ट साइड में मैंने यहाँ 32 फंदे लिए थे, इसमें हमें देखिए 10 फंदे ज़्यादा लेने हैं, यानी आप जितने भी फंदों से बना रहे हो उसमें आप 10 एक्स्ट्रा लें। तो देखिए इसे हमें सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए ये पहली सिलाई है और इसी तरह से देखिए हमें 10 सिलाइयाँ पूरे सीधे सीधे बुनने हैं बिना कोई कलर चेंज किए। तो इसे हम वहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए 10 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बुन ली हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 10 फंदे क्लोज करने हैं। जो 10 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए थे उसे अब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमें पहले सीधे बुनने हैं, उसके बाद देखिए ये पीछे वाले फंदे को हम आगे की तरफ गिरा दें, फिर ये एक फंदा और सीधा बुनेंगे। और फिर देखिए ये पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ गिरा दें। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे घटा लिए। ये 3, 4, 4 और ये देखिए हमने यहाँ पे 5 फंदे अब तक घटा लिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए 10 फंदे हमने यहाँ पे क्लोज कर लिए हैं। उसके बाद देखिए बाकी जितने भी फंदे हैं उसे हमें सीधा सीधा बुनना है। तो ये सिलाई हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई देखिए बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है और इधर से भी देखिए हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है यहाँ तक। तो इसे भी देखिए हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। इसमें ये जो लास्ट वाला फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे ताकि इस तरफ चोटी आए। अब देखिए यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए तो ये नीचे से फंदा उठाया हमने और इसे भी देखिए सीधा बुन लिया। और उसके बाद जितने भी फंदे हैं उसे सीधा बुनना है। ये सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये रॉन्ग साइड है और यहाँ पे भी देखिए हमें इसे पूरा सीधा सीधा बुनना है। बस लास्ट वाला जो फंदा है उसे हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदा हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था उसे भी हमें देखिए सीधा बुनना है। तो ये सिलाई भी हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इस तरफ से देखिए हमें फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ाना है, जैसे हमने पहले बढ़ाया था सेम उसी तरह भी हमें यहाँ भी बढ़ाना है। तो ये पहला फंदा हम स्लिप कर लें और देखिए ये नीचे से ये फंदा उठा के हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे एक और फंदा बढ़ गया और फिर देखिए पूरा लास्ट तक हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे।
तो ये सिलाई हम पूरा सीधा बुन लें, और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो उधर से भी हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है। देखिए ये दो सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब इस तरफ से देखिए हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है, तो फंदे देखिए हमेशा हमें राइट साइड में बढ़ाने हैं। तो ये नीचे से ये फंदा लेंगे और इसे भी देखिए सीधा बुनना है। तो देखिए ये वाला भी सिलाई हमें पूरा सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड हमें पूरा सीधा ही बुनना है, बस लास्ट वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है। तो इसे देखिए हमें इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए तीन फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, हमें टोटल यहाँ पे 10 फंदे बढ़ाने हैं, तो इसे हम वहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है और यहाँ पे देखिए हमने 10 फंदे बढ़ाए हैं, तो अब ये टोटल फंदे 42 हो गए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे 6 सिलाइयाँ सीधे सीधे की बुननी है बिना कोई भी फंदा बढ़ाए। और देखिए हमें यहाँ पे बटन होल भी बनाना है, तो पहले हम यहाँ पे 2 सिलाई सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें, एक राइट साइड से और एक रॉन्ग साइड से, उसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे सीधे सीधे बुन ली है। अब देखिए हमें यहाँ पे बटन होल बनाना है, तो ये एक फंदा स्लिप करेंगे, ये एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे बुनेंगे हम। फिर देखिए यहीं पे अब हम होल बनाएंगे बटन होल, तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को देखिए एक साथ सीधा बुनना है, इस तरह से जाली बनाते हुए। ये देखिए यहाँ पे होल बन गया। अब फिर देखिए एक और फंदा सीधा बुनेंगे और फिर यहाँ पे होल बनाएंगे। तो होल बनाने के लिए देखिए ऊन को अपनी तरफ करना है और इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। तो देखिए दोनों होल के बीच में मैंने ये 2 फंदों का गैप रखा है। अब उसके बाद देखिए जितने भी फंदे हैं उसे हमें सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये सिलाई हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें, और रॉन्ग साइड में भी जब हम यहाँ पे आएंगे तो इधर भी देखिए जो ये जाली वाला फंदा है ना, इसे भी हमें सीधा बुनना है। तो दोनों तरफ से हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए ये 2 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे ये बटन होल इसमें दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 सिलाइयाँ हमें और बुननी है यहाँ पे सीधे सीधे की। तो ये एक सिलाई और एक सिलाई रॉन्ग साइड से, ये दोनों हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए ये 2 सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है मैंने। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने 10 फंदे क्लोज किए थे, वैसे हमें यहाँ भी 10 फंदे क्लोज करने हैं। ये एक फंदा स्लिप किया, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और ये पहले वाले फंदे को हम आगे की तरफ गिरा दें। फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, इस वाले फंदे को आगे की तरफ गिरा दें। तो इसी तरह से देखिए 10 फंदे हम यहाँ पे क्लोज कर लें। ये 10 फंदे देखिए यहाँ पे हमने बंद कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ से बनाया था सेम वही चीज़ हमें ऊपर भी बनाना है। यहाँ पे देखिए 32 फंदे से हमने स्टार्ट करके इसमें 10 फंदे इंक्रीज किए थे, तो लास्ट में ये 42 फंदे हो गया था। उसके बाद देखिए 6 सिलाइयाँ हमें बुननी थी, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। इसमें हमें पहले तो 20 सिलाइयाँ बुननी है जिसमें हम 10 फंदे बढ़ाएंगे, और उसके बाद देखिए 6 सिलाइयाँ हम सीधा सीधा बुनेंगे, और साथ में देखिए उसमें ये 2 बटन होल भी बनाएंगे हम। तो इसे हम वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लें। इसमें देखिए अभी ये 2 बार हमें ये और बनाना है, तो इसे मैं वहां तक बनाकर तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बुन लिया है। अभी देखिए यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बुननी बाकी है, तो उसी में देखिए हमें यहाँ पे आर्म होल भी बनाना है। जैसे हमने पहली वाली साइड में बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। तो देखिए इस वाली साइड में आर्म होल हमने इस साइड बनाया है, तो इसमें देखिए ये इस तरह से रहेगा। तो इधर हम लोग आर्म होल बनाएंगे इस बार, और ये जो नेक है नेक वो इस साइड बनेगा।
तो नेक तो बाद में बनाएंगे, पहले हम यहां से ही ये वाला यहां तक पार्ट बनाएंगे। तो इसे देखिए अभी हमने इतना ही बुना है, ये 6 सलाइयां अभी हम बुनेंगे, उसी में हम आर्म होल बनाएंगे। तो पहले हम ये सिलाई पूरा सीधा बुन लें। ये सिलाई देखिए मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस तरफ से देखिए रॉन्ग साइड से हम आर्म होल बनाएंगे। तो पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, सेम जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। उसके बाद देखिए हमें ये 2 फंदों को एक साथ बुनना है। फिर हम यहीं से सिलाई पलट लें। अब इधर से देखिए ये 5ों फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब देखिए हमें सिर्फ ये 5-5 फंदे ही बुनने हैं। तो पहले हम ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद देखिए एक फंदा ये और एक इधर से लेकर के ये दोनों फंदों को एक साथ बुनना है। फिर देखिए ये 5 फंदे हो गए। फिर यहीं से सिलाई पलट लें और इधर से भी देखिए हमें ये 5 फंदे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बार हमने फंदे घटा लिए और हमें 5 बार ऐसा करना है। अब देखिए ये इधर भी हमें एक फंदा इधर से दोनों को एक साथ बुनकर कम करना है। तो पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर इसको और इसे एक साथ सीधा बुन लें। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 बार फंदे घटा लिए और हमें 5 बार फंदे टोटल घटाने हैं। तो इसे हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे 5वां फंदा घटा लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे सिलाई पलटना नहीं है, इसे हम पूरा सीधा सीधा बुनते जाएंगे। इसे हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई देखिए मैंने पूरा सीधा बुन लिया है। अब इस तरफ से देखिए हमें यहाँ पे जो 6 लाइंस थी वही हमें बनानी है। तो 2 सलाइयाँ मैंने यहाँ पे बुन ली है, 4 सलाइयाँ अभी हमें और बुननी है। तो यहीं पे देखिए हम अपना बटन होल भी बनाएंगे और इसे बुनते जाना है। तो देखिए पहले 3 फंदे हम सीधे बुन लें, फिर यहाँ पे एक बटन होल बनाएंगे। फिर देखिए एक और फंदा सीधा बुनना है और फिर देखिए यहाँ पे एक बटन होल बनाना है। अब उसके बाद जितने भी फंदे हैं उसे हमें देखिए सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये सिलाई भी हम पूरा सीधा बुन लें। ये सिलाई देखिए मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये रॉन्ग साइड है और इधर देखिए हमें फिर से यहाँ पे एक फंदा घटाना है। हमें टोटल 7 बार यहाँ पे फंदे घटाने हैं। तो 5 फंदे देखिए हमने घटा लिए। अब यहाँ पे 6ठा फंदा घटाएंगे। देखिए 4 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए ये 2 फंदों को एक साथ यहाँ पे सीधा बुनना है।
और फिर बाकी बचे जितने फंदे उसे हमें सीधा बुनना है। बस ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, जैसे हम नीचे से करते आए हैं वही हमें यहाँ भी करना है। तो ये देखिए ये सिलाई मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब ये राइट साइड है और इसमें देखिए अब हमें सिर्फ दो सिलाइयाँ और बुननी है सीधे सीधे की। और देखिए यहाँ पे हमारा ये बटन होल भी बन गया है, तो दो सिलाइयाँ हम इसे पूरा सीधा बुन लें। बस रॉन्ग साइड में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें एक फंदा और डिक्रीज करना है, तो दोनों को एक साथ लेके हम बुन देंगे। तो दो सिलाई बुनकर तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दो सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमें यहाँ पे ये जो हम 10 फंदे घटा रहे थे वो हमें यहाँ पे घटाने हैं, और उसके अलावा भी देखिए हमें गले के लिए भी फंदे यहाँ पे क्लोज करने हैं। तो टोटल देखिए हमें 20 फंदे क्लोज करने हैं, 10 ये वाले जो एक्स्ट्रा फंदे हैं और 10 हमें जो गले के फंदे हैं वो क्लोज करने हैं। तो जैसे हमने पिछली बार क्लोज किया था इसी तरह से यहाँ भी करना है। ये दो फंदे हम पहले सीधे बुनेंगे और उसके बाद देखिए ये एक फंदा हम आगे की तरफ इस तरह से गिरा दें, फिर एक और फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसे हम आगे की तरफ गिरा दें। तो देखिए इसी तरह से करते हुए हमें यहाँ पे 20 फंदे क्लोज करने हैं। तो देखिए ये 3 फंदे क्लोज हो गए, बाकी के फंदे भी और क्लोज कर लें। ये देखिए 20 फंदे मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिए हैं। और देखिए यहाँ लास्ट में मैंने 7 फंदे यहाँ से यहाँ तक टोटल क्लोज किए हैं, और अभी देखिए हमारे 15 फंदे ही रह गए हैं। तो जैसे हमने उसमें शोल्डर बनाया था उस वाले पार्ट में, वैसे ही हमें यहाँ भी शोल्डर बनाना है। तो देखिए इसे हम इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए जैसे हमने इसमें बनाया था ये यहाँ पे ये 5वां फंदा हम इधर उल्टा बुनते थे, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। ये जो 5वां फंदा है इसे हम ये राइट साइड से उल्टा बुनेंगे, और फिर ये 4 फंदे देखिए सीधे बुनने हैं। अब इधर से देखिए सारे फंदे हमें सीधे सीधे बुनने हैं। ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब इस तरफ से देखिए हमें सिर्फ ये वाला फंदा जो यहाँ से लास्ट से 5वां फंदा है उसे उल्टा बुनना है, और बाकी सारे फंदे सीधे बुनने हैं, और रॉन्ग साइड के सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। तो देखिए इसी तरह से बुनते हुए हम इसे शोल्डर तक बनाकर कंप्लीट कर लें। तो देखिए जितनी मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है उतने ही हमें यहाँ पे भी रखनी है, तो इसे इतना ही लंबा बनाकर हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैंने देखिए ये इस वाले साइड के बराबर ही बनाया है, तो देखिए ये इस तरह से रहेगा। अब हम बैक साइड बनाएंगे।